हेलो फ्रेंड्स, बगीचे में हम लोग जब आते हैं तो या जब चर्चा हम लोग ऐसे आपस में करते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके, तो जी आज ये कीड़ा लग गया है, ये मिलीबग लग गया है और स्पाइडर माइट लग गया है, क्या क्या परेशानियां हैं उनका जिक्र हम लोग अक्सर ही करते हैं। ये प्रॉब्लम हो गई है या अब सीजन आ गया है तो अब हम क्या लगाना है, हमको इन सब बातों का हम लोग चर्चा बैठ के जब फ्रेंड्स मिलती हैं तो करते हैं। लेकिन कभी आपने इस बात पे चर्चा की है दोस्तों के साथ कि पानी कैसे डालना है पौधों में? है ना कुछ अजीब सा टॉपिक, पानी डालने में क्या है यार, पाइप उठाओ या फुहारा उठाओ पानी डालो, उसमें कौन सी बड़ी भारी कलाकारी है? यहीं पर हम गलती करते हैं फ्रेंड्स। पानी डालना भी एक आर्ट है, स्पेशली पौधों में। अभी आपने देखा कि ये पानी जो डल रहा था गमले में किस तरह से डल रहा था, फुल पाइप खुला था, तीखी धार थी और इतना भर गया था कि वो मिट्टी के संग में पानी जो है गमले से उछाल खा के बाहर गिर रहा था। क्या ये सही तरीका है? देखने में कैसा लगा आपको? पौधे को कितना कष्ट हो रहा होगा? नहीं ना, ये तरीका ठीक नहीं है। अक्सर होता है फ्रेंड्स कि हम लोग पाइप उठाया और पाइप के मुंह पे उंगली लगाई और धार बना दी सीधे पौधे की जड़ में कि वहीं पे तो सो पानी जाएगा, तो पर पौधा जब तक जड़ तो वहीं पर है तो पानी हमको वहीं पे डालना है। दैट इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्शन। पौधे की जो फीडर रूट्स होती हैं फ्रेंड्स वो फैली हुई होती हैं, ना कि वो जो तना आ रहा है वहां पे होती है उसके नीचे। तो पानी उसके नीचे अगर आप देते रहेंगे ना अपनी तने के एकदम नीचे जो ट्रंक है वहां पे, तो क्या होगा इवेंचुअली तीखी धार से पैनी धार से फोर्स से पानी आने की वजह से मिट्टी वहां से निकल जाएगी, रूट्स उसकी एक्सपोज हो जाएंगी और आपका पौधा जो है वो ओवेंट कॉर्न हो जाएगा। ये भी बहुत गलत तरीका है। तो आप पूछोगे कि फिर सही तरीका क्या है पानी देने का, आइए वो भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं सही तरीका क्या है। सही तरीका ये है कि जो नल जब आप खोलते हो ना पूरे फोर्स से मत खोलिए। पानी को वेस्ट करना इस क्राइम, आपको पता है ना पानी की क्राइसिस कितनी जबरदस्त होने वाली है अगर हम लोग इसी तरह से वेस्ट करते रहेंगे। यू हैव टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर और एल्स यू विल ड्रॉप डेड। सो पानी डालने का सही तरीका फ्रेंड्स ये है, जैसे कि अभी बताया कि जो फीडर रूट्स होती है वो मेन तने से अलग होती है, दूर फैली हुई होती है, जो प्लांट की कैनोपी है उसके घेरे में होती है। तो आप इस तरह से पानी डालिए जिस तरह से आपने ये देख रहे हैं कि गमले के एज पे बिल्कुल किनारे किनारे आराम से बिल्कुल हाथ लगा के उस पे कम धार से पानी डालिए। जल्दीबाजी बिल्कुल करने की आपको जरूरत नहीं है। एंजॉय गिविंग वाटर टू योर प्लांट्स एंड लेट द प्लांट्स आल्सो एंजॉय टेकिंग वाटर। दोस्तों आपने कहानी सुनी है ना, वो बहुत हमारे जो मिथोलॉजी में बहुत बच्चों को बचपन से पढ़ाई जाती है कि गंगा अवतरण की जो कहानी है कि कैसे भागीरथी आकाश से उतर के आई थी और उनका वेग इतना ज्यादा था कि अगर वो डायरेक्ट इस पृथ्वी पर आती तो कितना तहस नहस हो जाने वाला सीन था। उसके लिए क्या हुआ था, फिर शिव जी ने अपनी जटाएं खोली थी फ्रेंड्स और वो वहां पे गिरी, पहले आके उनका वेग थोड़ा हल्का हुआ और फिर वो प्रवाहित हुई और धरा पर आई। यही चीज पौधों के संग में है। जरूर जब आप अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं ना इस तरह से लिंक करके उनको बताइए, दे विल परफेक्टली अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। तो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं पौधों के संग में, मल्च करके। आप अपनी मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट पानी ना देंगे फ्रेंड्स, बार बार हम लोग मल्च 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 बोलते रहते हैं तो मल्च जो है पानी के फोर्स को रोकता है, डायरेक्ट सॉइल पे आपका पानी नहीं गिरता है। पत्तों पर या जिस चीज की भी आपने मल्चिंग अपने सॉइल पे की हुई है वो उस फोर्स को ले लेता है और आपका सॉइल बच जाता है, पौधे जो है
पानी उनको भरपूर मिल जाता है, नमी बनी रहे। फिर हमारा मन करता है पत्ते धोने का, आप कहेंगे कि ये तो आप खाली मिट्टी मिट्टी में पानी दे रहे हैं, पत्ते तो गंदे पड़े। तो पत्ते आप कैन से धोइए ना, आपका ये जो वाटर कैन होता है कोई ज्यादा पानी उसमें लगता नहीं है। तो कैन उठाइए, पानी भरिए, हल्का छोटा जैसा ये वाला है, इस तरह से आप एक ले लीजिए और पत्तों पे घुमा दीजिए, क्योंकि पत्ते धोने के बहुत जरूरी है। मिट्टी जम जाने से, जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं, डस्ट से, ड्राइनेस से, माइट्स वगैरह का अटैक उनके होता है और देखने में भी बुरे लगते हैं। साफ चमकीले पत्ते देखने में सुंदर लगते हैं, पौधे की शोभा बढ़ाते हैं, आपके बगीचे की शोभा बढ़ती है साफ पत्तों से। तो आपको जब भी पत्तों पे पानी डालना है तो कैन से डालिए। फ्रेंड्स, एक गलती हम लोग बहुत करते हैं, फोन तो हाथ से आजकल छूटते ही नहीं है। सवेरे से जो फोन हाथ में आता है ना, अगर हम महिलाओं के पास पॉकेट होती ना तो हम लोग उसी में भी रख के उसको चलते रहते हैं, और वो जो बैंक होता है ना चार्जिंग वाला, वो एक जेब में होता है, दूसरे में हाथ में फोन होता है। अब आप देखिए, फोन लगा के जब आप कान में पानी डालते हैं तो क्या होता है? बात तो ध्यान कहाँ है आपका बातों में, और एक हाथ में पानी है, पाइप है, वो कहाँ पानी दे रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, गमला भर गया कि सूखा है, पता ही नहीं चलता है। तो ये गलती नहीं करिएगा, एक बार में एक काम करिए, कॉन्सेंट्रेशन से करिए। पत्तों में जब आप छिड़काव पाइप से भी कर रहे हैं तो पानी वेस्ट मत करिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि फोन पे बात आप ना करें, कॉन्सेंट्रेशन आपका पानी देने पे ही होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ओवर वाटरिंग से आपकी सॉइल, आपके पौधे ही खराब नहीं होते, वरन आपकी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो आपने फर्टिलाइजर दी हुई है, वो भी रीच आउट करती है पानी के साथ साथ, और आपके पौधे की जो प्लांट की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, पानी बहुत एहतियात से दीजिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, पानी देते रहिए पौधों में, उनको खुश रखिए। जाड़े आ रहे हैं, वैसे भी पानी अब हम लोग को कम ही लगेगा पौधों में, तो तब तक के लिए गुड बाय।